दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर में एक रेस्टोरेंट मालिक ने एक नया तरीका खोज निकाला है। इस रेस्टोरेंट में ग्राहक को कोविड करी यानी कि कोविड-19 की करी और मास्क नान परोसा जा रहा है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि कोविड करी मलाई कोफ्ता की विविधता है, जिसमें कोफ्ता और विभिन्न मसालों के साथ इसको बनाया गया है और उसे विशेष आकार दिया गया है। मक्खन नान को मांस के आकार में बनाया गया है। मक्खन नान यानी कि आपको पता ही होगा बटर नान जो होता है। रेस्टोरेंट मालिक अनिल कुमार ने बताया है कि हमारे रेस्टोरेंट में कोरोना के नाम से दो नई डिश तैयार की गई है, कोविड करी और मास्क नान। कोविड-19 करी के लिए जो कोफ्ता तैयार किया गया है उसे कोरोना वायरस का आकार दिया गया है। इसे बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है और इसमें समय भी लगता है। नान को मास्क का आकार दिया गया है। खास बात यह है कि प्लेट में डिश सर्व होते ही तो ऐसा लगता है कि जैसे प्लेट में कोरोना वायरस रखा गया हो। इस रेस्टोरेंट के संचालक अनिल कुमार का यह भी कहना है कि यह समय ऐसा है जिसमें लोग बाहर का खाने से भी परहेज कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को आकर्षित करने का भी ये एक नया तरीका है। हमने इसीलिए इसको रेस्टोरेंट के मेनू में शामिल किया है। जोधपुर के इस नामी रेस्टोरेंट ने कोविड करी और मास्क नान का फोटो भी ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है कि आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। पिछले दिनों दोस्तों कोलकाता से भी एक खबर आई थी कि वहां के लोकप्रिय मिठाई संदेश भी अब कोरोना संदेश के नाम से बेची जा रही है। वहीं मदुरई के रेस्टोरेंट में भी एक मास्क पराठा बेचा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हैं। अगर आप राजस्थान में हैं, राजस्थान से हैं, तो आपने अभी तक इसको खाया है कि नहीं खाया है, ये कोविड नान और ये जो मास्क वाला नान और कोविड वाला करी। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आओ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।